नमस्कार दोस्तों, आज शाम हो चुका है तो हम सोचे कि आज संडे है तो फ्री है, छूट है तो आज कहीं घूमने जाएं। तो हम लोग सोचे कि माधोमठ चलते हैं। पिछला ब्लॉग में आप लोग काफ़ी प्यार दिए थे तो हम और रोशन जा रहे हैं और लेट हो गया है तो शाम हो रहा है तो जल्दी से जा रहे हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा आते समय। तो इसे जल्दी से नहा लाए और इसको तैयार करा के जल्दी से ले जा रहे हैं तो खाएँगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और रॉकी सिटी बजा रहा है और हमारे ब्लॉग को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं सफ़र में, दिखाते हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा दुख का बात है, मेरे डैडी का 3-4 दिन हो गया फ़ोन चोरी हो गया है। बाहर में काम करने गए थे तो ड्यूटी करके आ रहे थे और रास्ते में ही कोई फ़ोन चुरा लिया है। तो 12,000 का फ़ोन था तो बहुत बुरा लगा हमें। अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब वो फ़ोन नहीं मिल पाएगा और जो होना था वो हो गया। तो चलिए ब्लॉग में आप सभी को दिखाते दोस्तों हैं। ये है हमारे गांव का छठ माता का घाट, तो देख सकते हैं ये माता रानी का मंदिर है और यहाँ पर छठ पर्व को मेला लगता है। दोस्तों ये है हमारे यहाँ का दुर्गा मंदिर, तो ये काली माँ का मंदिर है और यहाँ पर हम आए तो सोचे कि यहाँ का भी ब्लॉग बना दें। ये मेरे गांव का है छठ माता का स्थान, तो यहीं पर छठ माता का मेला लगता है पूजा के समय, तो देख सकते हैं। तो आपको मैं मंदिर के अंदर से जाके दिखा देता हूँ मंदिर में। तो चलिए मंदिर में जाने के बाद आप सभी को दिखाता हूँ, देख सकते हैं जय माता दी। और आते ही मैं थोड़ा घंटा बजा लेता हूँ, घंटी मतलब, और अंदर का नज़ारा देख सकते हैं इसमें। और रास्ते में हम लोग अब चल दिए हैं तो देख सकते हैं इधर रोशन कैमरामैन बन के वीडियो बना रहा है, खेत दिखा रहा है। तो ये धान का खेत है, गांव के लोग धान लगाते हैं इस समय, पानी लग जाता है खेत में बारिश का और धान जल्द ही होने वाला है। और ये रहा मुर्गी फार्म, तो रास्ते का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं माधोमठ के छठ माता के घाट पर। अब स्टेशन रेलवे मतलब स्टेशन नहीं है, यहाँ से ट्रेन जाता आता है, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, पार करने वाले हैं इसको। यह है ट्रेन का पटरी इधर और इधर से ट्रेन जाता है। और ये एक बजरंगबली का मंदिर है जो कि रोशन अच्छा से नहीं दिखा रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर और देख सकते हैं ये हनुमान जी का बड़ा मूर्त। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर आप सब भी आ सकते हैं घूमने के लिए, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। तो आप भी यहाँ पर आके घूम सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा मूर्त है बजरंगबली का। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम गार्डन का तरह, और एकदम ये लग रहा है कि गार्डन में हम आए हैं। और यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ पर आने से मन साफ रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत मस्त मस्त पेड़ पौधे हैं, अच्छे फूल है, और देख सकते हैं यहाँ पर एक शेर है और बजरंगबली है और शंकर जी का मूर्ति मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर ये रहा। तो देखिए यहाँ पर अंदर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये रहा। और ये मंदिर अभी बंद है तो इसमें हम नहीं जाएंगे, और इधर बाहर से ही देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और रोशन मेरे से पहले चला गया है और घूम रहा है ऊपर जाके, तो मैं भी चलता हूँ। और आप सुन पा रहे होंगे कि कितना अच्छा मिठू तोता बोल रहा है।
और यहाँ पर छठ माता का मेला लगता है, और उधर रेलवे लाइन है, और ये रोशन खड़ा है, और इधर एक कुटिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बजरंगबली 54 फीट ऊँचे हैं, और एक उधर त्रिशूल बना है जो कि मैं दिखाने वाला हूँ जल्द ही आप सबको। तो पहले बजरंगबली को देखिए कितने अच्छा लग रहा है, और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो उसका वीडियो देखिए रोशन बनाया है। अब मैं बजरंगबली का आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो मैं बजरंगबली से यही दुआ कर रहा था कि जल्द ही मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और आप सब लोग सपोर्ट करिए मुझे और हम लोग आगे बढ़ें। तो देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है, और वहाँ पर दान पेटी भी है, उसमें पैसा लोग डालते हैं। तो इस वक्त मैं पैसा लेकर नहीं आया था, मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं लाता, फिर अगला बार आऊँगा तो लेकर आऊँगा। और रोशन जहाँ देखो तहाँ खाली हाथ ही लाता है, और हाय हेलो बोलता है, और लाइक करने के लिए, तो इसके लिए गुस्सा मत करिएगा, उसका वो स्टाइल है। देखिए उधर खड़ा है, अभी फिर आएगा ब्लॉग में ना तो हाथ हिलाएगा, देखते रहिए आप। और रोशन बना रहा था, बोला कि एक मैं ब्लॉग बनाता हूँ ऊपर से आओ, तो देखिए बनाया है, कैसा लग रहा है। और ये देखिए घंटा पकड़ के टंगा गया था और बजा दिया। और यहाँ पर देखिए शेर कितना खतरनाक लग रहा है, उस साइड भी है, और रोशन जाके गले मिल रहा है उससे। देखिए फिर हाथ हिलाया था रोशन, दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा लगता है घूमने में कि बोल ही नहीं सकते हैं, जितना बोले उतना ही कम है। यहाँ पर आके आप सब भी घूम सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग भी आ गए हैं, वो भी फोटोग्राफर है, और मतलब फैमिली पूरा आया है किसी के घर का, तो वो लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को दूध लाना है और घर पे जाना है, तो रात हो जाएगा और घर भी दूर है, तो चलते हैं हम लोग। और इस मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया है, जो कि बहुत अच्छा अच्छे व्यक्ति हैं। और हम लोग चलते हैं अपना साइकिल लेकर, तो रोशन साइकिल घुमा रहा है, और मेरा चप्पल ही छूट गया था तो रोशन चप्पल लेके आया। तब तक ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फूल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे हैं, अब दूध लाना है, तो चलिए रास्ते में अब हम लोग दूध लाने के बाद से घर पे जा रहे हैं। तो ये देखिए रास्ते का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, अब हम लोग जा रहे हैं, तो इधर का उतना नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे, कहीं कहीं का थोड़ा सा क्लिप बनाकर छोटा छोटा, और ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग दूध ले लिए हैं, यही है खटाल, हम यहाँ दूध मिलता है, तो यहाँ से दूध लेके हम लोग जा रहे हैं घर पर। और ये देखिए बादल लिटिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट।